घटनाएं घटती है उस पर बिहार सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है, लेकिन इन लोग चाहते हैं कि ऐसा शो करके अपने काले दिन जो उनका हुआ है 2005 के पहले उसको झूठलाना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता जानती है कि 2005 के पहले उनके क्या कारनामे थे। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़24 देख रहे हैं। आज जो है जीतनराम मांझी जब एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं और पत्रकार उनसे सवाल करते हैं, जिस तरीके से बिहार में आपराधिक ग्राफ जो है काफ़ी चरम पे है, ऐसे में आज जो है राजद के द्वारा जो है प्रतिरोध मार्च निकाला जा रहा है, जो कि इनकम टैक्स जो से होकर जो है डाक बंगला चौराहा तक करेगी। लेकिन जिस तरीके से जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि बिहार में आपराधिक घटनाएं जो होती है वो किसी का स्क्रिप्टेड नहीं है, वो जो भी अपराध करते हैं सरकार उन पर तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई करती है, और बिहार सरकार हमेशा चाहती है कि भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त बिहार हो, ऐसे में जिस तरीके से लोगों को सिर्फ बोलने का मौका चाहिए और जिस तरीके से सिर्फ बोलते हैं लोग, उनको याद होगा कि 2005 से पहले उनकी जो है बिहार की स्थिति किस तरीके से था और उनकी सरकार में किस तरीके से लोगों की हत्याएं, बलात्कार जैसी जो है घटनाओं का अंजाम दिया जाता है। पहले जीतनराम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयानों को सुनाते हैं। आज विपक्ष पूरे प्रदेश कार्यालय में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, बिहार में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ाई उसको लेकर प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं। उनका काम है वो करते रहे, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है, अस्फुट घटनाएं घटती है उस पर बिहार सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है। लेकिन इन लोग चाहते हैं कि ऐसा शो करके अपने काले दिन जो उनका हुआ है 2005 के पहले उसको झूठलाना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता जानती है कि 2005 के पहले उनके क्या कारनामे थे, कैसे होते थे। आज उस प्रकार की बात नहीं है और जो भी हो रहा है एकदम त्वरित कार्रवाई हो रही है, ये भी आप लोग देख रहे हैं। यूपी में जिस तरीके से कांवर यात्रा को लेकर जो नियम लाए गए हैं उसको लेकर क्या कहिएगा मांझी जी, क्योंकि नीतीश जी की पार्टी और चिराग पासवान दोनों इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, कौन विरोध कर रहे हैं क्या है उससे मेरा मतलब नहीं, मेरा मतलब है कि हर दुकान पर अगर अपना दुकानदार का नाम या एड्रेस लिख करके रखा जाए, इसमें हर्जग क्या है? इसको धार्मिक दृष्टिकोण से क्यों देख रहे हैं? इससे ऐसा भी होता है कि बहुत से हम लोग मिठाई के दुकान चाहे और पर जाते हैं तो अमुक का दुकान कहाँ है, अमुक का दुकान कहाँ है। जैसे गया में प्रमोद लड्डू है, अगर लड्डू के दुकान पर जाएंगे और प्रमोद लड्डू हम सोचेंगे तो मिलेगा, तो इसीलिए उसका नामकरण होता है। इसलिए ये लोग नामकरण अगर किया गया है तो कोई हर्ज नहीं है, इसको धार्मिक के चश्मा से नहीं देखना चाहिए। तो आपने जीतनराम मांझी को सुना, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जो बोल रहे हैं उनको 2000 पहले की स्थिति को जानना चाहिए और 2000 पहले पाँच से जो पहले है जिस तरीके से आपराधिक घटना चरम पे था, ऐसे में कहीं ना कहीं उनके अपने गिरेबान में झांकना चाहिए था। उसके बाद जो है अभी वर्तमान समय में जो सरकार चल रही है उन पर सवाल खड़े करने चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं पर बिहार सरकार जो है लगाम कस रही है जी, और साथ ही साथ भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं बिहार वासियों का एनडीए पर भरोसा है। साथ ही साथ जब उनसे सवाल यह किया गया कि उत्तर प्रदेश में जो है सावन मास को लेकर जो है दुकानदारों को नाम प्लेट के लिए जो है कहा गया है, ऐसे में जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि ये तो अच्छी बात है, लोगों को अगर टैग मिल रहा है, अपने नाम को प्रमोट करने की मौका मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को देखना चाहिए और समझना चाहिए, ना कि उनको जो है धार्मिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इन चीज़ों को लेकर लगातार चर्चाएं जो है गर्म हो गई है और साथ ही साथ सरकार को जो है निशाना बना रही है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।